सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है, अब लोग हम जो देख रहे हैं, अब जो हम देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली जनरलाइज रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, इनके एक जनरलाइज रिएक्शंस देख रहे हैं अपन. ईजी है, बेसिकली यू जस्ट रीड इट वंस, इट शुड बी फाइन. इट बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है. जैसे मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, अपने को मालूम है. ओके, अब सिर्फ रिएक्टिविटी क्या होती है. वेन यू गो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेरेलियम, है ना, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, सो वेन यू गो टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन्स टू द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, बेरेलियम, है ना, लीस्ट रिएक्टिव. और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा, रेडियम, मोस्ट रिएक्टिव. और यही तुमको रिएक्टिविटी ट्रेंड में दिखेगा, बेरेलियम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव और जो रेडियम रहेगा या बेरियम जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव. रेडियम ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए काफ़ी बार इसकी रिएक्टिविटी अपन नहीं देखते. ओके, सिंपली बिकॉज इट इज़ रेडियोएक्टिव. तो यहाँ पे बेरेलियम रिएक्ट्स विथ स्टीम, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए हॉट वाटर के साथ ज़्यादा है. बेरेलियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं हो रहा है, इसको स्टीम के साथ और ज़्यादा टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करवाना पड़ रहा है. ठीक है, एंड कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम ये रिएक्ट होते हैं विथ कोल्ड वाटर, बट इफ यू गो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. समझ में आए. सो बेरेलियम स्टीम, मैग्नीशियम हॉट वाटर और बाकी जो है कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो रहे हैं. सो देखो कितना आसान है रिएक्टिविटी समझना, इजंट इट. नेक्स्ट, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोराइड्स बनेगा और हाइड्रोजन गैस. सेम रिएक्टिविटी, टॉप टू बॉटम जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी. ठीक है, सारे मेटल्स जो है वो रिएक्ट होते हैं इन दिस वे, बट बेरेलियम की एक खासियत है, बेरेलियम ये HNO3 के साथ पैसिव हो जाता है. होता क्या है कि व्हेन यू रिएक्ट बेरेलियम विथ HNO3, इसकी रिएक्शन आगे देंगे, बेरेलियम ऑक्साइड बनता है. ठीक है, ये ऑक्साइड बनने के वजह से अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं होता. समझ में आए. सो ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है बहुत ज़्यादा इनर्ट होती है, ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं होती. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेरेलियम बिकम्स पैसिव. तो इसीलिए अगर मेरे को HNO3 को स्टोर करना है तो आई कैन एक्चुअली स्टोर इट इन बेरेलियम फ्लास्क. समझ में आया ना, स्टोरेज के लिए मैं बेरेलियम फ्लास्क यूज कर सकता हूँ. नेक्स्ट, नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्राइड बनाते हैं. यू गाइज रिमेंबर दैट कि बेरेलियम का डायगोनल रिलेशनशिप आ रहा है विथ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ और उसके नीचे वाले सारे के सारे नाइट्राइड बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेरेलियम भी नाइट्राइड बनाता है, ऑल फॉर्म नाइट्राइड्स एट हाई टेम्परेचर. और स्टेबिलिटी होती है, बेरेलियम नाइट्राइड इज द मोस्ट स्टेबल, देन मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, और इनको अगर मैं रिएक्ट करता हूँ विथ वाटर, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे हाइड्रोलिसिस. जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड लेता हूँ मैं Mg3N2, इसको रिएक्ट करता हूँ विथ वाटर तो ये मेरे को देगा अमोनिया गैस NH3 देगा प्लस MgOH/2 बनेगा. इसको बैलेंस कर लेना बाद में, दैट इज़ द रिएक्शन. तो ये मेरे को अमोनिया गैस इवॉल्व करवा रहा है. ओके, नेक्स्ट इट रिएक्ट्स विथ हैलोजन. इसी तरह से हैलाइड बनेंगे, यहाँ पे सारे मेटल्स हैलाइड बनाते हैं, यहाँ पे पॉली हैलाइड्स नहीं बनते, नॉर्मल हैलाइड्स बन रहे सभी केस में. ठीक है, तुमको याद होगा ग्रुप वन का एलिमेंट जब अपन अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ग्रुप वन का, ठीक है, जैसे सोडियम अपने डिस्कस किया था, व्हेन यू रिएक्ट सोडियम विथ NH3 यू गेट ब्लू सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन अपने को देते हैं इन लिक्विड अमोनिया. ठीक है, और यहाँ पे अपने को अमोनिएट्स मिलते हैं, बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स. मैग्नीशियम जो होता है इनके चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है, दे बेसिकली फॉर्म अमोनिएट्स. ओके, और इसको अगर मैं वैसे ही रखता हूँ तो इट कैन बी रिकवर्ड अमाइड्स. ठीक है, मतलब इट कैन बी रिकवर्ड एज अमाइड, बेसिक अमाइड बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. सो जो प्रॉपर्टी अपने को ग्रुप वन में मिली थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पर रिपीट हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, अपने को नॉर्मल ऑक्साइड मिल रहा है. उसी तरह से बेरियम अगर लेता हूँ मैं, बेरियम मेरे को परऑक्साइड देगा.
यस रिमेंबर दैट पोटेशियम पोटेशियम भी देता था उधर ग्रुप वन में, यहाँ पे बेरियम से अपने को मिल रहा है. बेरियम एक्चुअली गिव्स यू परोक्साइड, क्योंकि बेरियम का साइज बड़ा है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर परोक्साइड बनाता है. ठीक है, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स अपने को नहीं मिल रहे, जैसे वहाँ पे यू गेट है ना पोटेशियम सुपर ऑक्साइड देता है, सोडियम परोक्साइड देता है, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड देता है. यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेटल एक्चुअली गिव्स यू नॉर्मल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ये मिल रहा है, बेरियम तुमको परोक्साइड दे रहा है बेसिकली, दैट इज इट. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ तुमको होती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी. तो ये मेटल हाइड्राइड बनाता है, इसको बोलते हैं अपन आयनिक लाइक सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड. ठीक है, दीज आर बेसिकली आयनिक हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स है ये, जैसे MgH2. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये हाइड्राइड्स, दे रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ H-. ठीक है, तो ये H- करके हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर बाय कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम. ठीक है, सारे बनाते हैं बेसिकली, लेकिन कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम के साथ हाई टेम्परेचर पे बनेंगे, दे तो इनके स्टेब अनस्टेबल होते हैं बेसिकली. हाइड्राइड की स्टेबिलिटी जो होती है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, ठीक है ना, तो जैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे अपन तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी जो है, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी. समझ में आए? तो बेरिलियम हाइड्राइड मैग्नीशियम हाइड्राइड ये बहुत स्टेबल है, कैल्शियम से फिर स्टेबिलिटी थोड़ी डिक्रीज होती है. और नेक्स्ट जैसे बेरिलियम लेता हूँ मैं, ओके, और उसको पानी और अल्कलाइन सोल्यूशन में रिएक्ट करता हूँ, तो वी गेट अ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन ये बेरिलियम के साथ ही मिलता है बेसिकली. बेरिलियम छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है. मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन है या वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने के लिए अपने को चाहिए चार्ज डेंसिटी. बेरिलियम हैज़ अ हाई चार्ज डेंसिटी, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बेरिलियम बना रहा है. अगर मैं जैसे हाइड्रोजन मैग्नीशियम लेता हूँ या फिर कैल्शियम लेता हूँ, तो यहाँ पर फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे. ठीक है, मेटल अगर मैं कार्बन के साथ हीट करता हूँ, ठीक है, कोक या कोल के साथ अगर हीट करता हूँ मेटल को, सो व्हाट वी गेट इज़ अ कार्बाइड. ठीक है, बेरिलियम का जो कार्बाइड होता है Be2C, ये आयनिक कंपाउंड होता है. बाकी कंपाउंड्स भी कार्बाइड बनाते हैं, मैग्नीशियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड्स बनते हैं. ठीक है, बेरिलियम का सिर्फ क्या हो रहा है, इट इज़ अ आयनिक कार्बाइड एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, मतलब बेरिलियम का कार्बाइड इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल. ओके, ये हाई टेम्परेचर पे ही बन रहा है बेसिकली, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं मिल रहा है अपने को कार्बाइड. सो बेरिलियम कार्बाइड इज एक्चुअली नॉट स्टेबल. और फिर मेटल प्लस सल्फर अगर लेते हैं तो अपने को मेटल सल्फाइड मिलता है. दिस इज़ वेरी ईजी टू डू. सो कुछ रिएक्शंस जो है इसमें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ट्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, हैलोजन, ये रिएक्शंस जो है दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट वंस. ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर डिस्कस कर रहे हैं अपन. ओके, कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम दे हैव रिडक्शन पोटेंशियल सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कली मेटल. मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये दे आर एज रिएक्टिव एज अल्कली मेटल्स. मैग्नीशियम बेरिलियम ये बहुत कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स. या इनकी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल जितनी है, एंड दे आर क्वाइट हाई इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऊपर में है. ओके, तो इसके वजह से दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है बेसिकली. दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स विथ अल्कली मेटल ऑल्सो. ठीक है, मैग्नीशियम इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट होती है, तो इसलिए ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है. सो यू गेट दैट. ठीक है, यू गेट हाइड्रोक्साइड इन सम केसेस. अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं अपन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिलती है अपने को, एंड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, मैग्नीशियम एक्चुअली फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड डिस्पाइट फेवरेबल रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, सो इसके ऑक्साइड के लेयर के वजह से इट बिकम्स पैसिव. ओके, ऑक्साइड लेयर इज रिमूव्ड बाय अमालगेमेटिंग विद मर्क्यूरी. अगर वो ऑक्साइड लेयर निकालना है तो उसको अमालगेमेट करके निकालना पड़ता है. अदर देन दैट इट इज़ बेसिकली इट बिकम्स पैसिव. ठीक है,
मतलब इसको जैसे मैग्नीशियम जो होता है ना उसको प्रोटेक्टिव इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम स्ट्रिप तुम बाहर रख सकते हो, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगा एंड इट बिकम्स पैसिव। तो इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सो ये खुद को ही फिर बाद में प्रोटेक्ट करता है। सो ये ऑक्साइड लेयर उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ सिमिलर टू अल्यूमिनियम। ओके, इनफैक्ट मैग्नीशियम और अल्यूमिनियम इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज मैच होती है। यहाँ पे अपने को वो दिख रहा है, ठीक है। देर इज़ नो पर्टिकुलर रीजन फॉर इट, ठीक है, बट देर इज़ अ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी। ओके, बेरेलियम रिएक्ट्स विथ स्टीम। बेरेलियम क्या होता है, स्टीम के साथ रिएक्ट होता है एंड वी गेट बेरेलियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, स्टीम के साथ, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत कम है इसकी। ऑलराइट, बेरेलियम ऑल्सो रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। थोड़ी देर पहले मैंने अपन ने बताया था कि बेरेलियम ही कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि बेरेलियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, सो बेरेलियम फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। देन यू हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, दे डू नॉट रिएक्ट विथ NaOH, ठीक है। ये जो मेटल्स है ये रिएक्ट नहीं हो रहे। कोई बता सकता है कि इसका रीज़न क्या है? व्हाई डज बेरिलियम रिएक्ट बट मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम डज नॉट रिएक्ट? एनीबडी सोचो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम ओके एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर दीज? वेल दीज आर अल्कलाइन मेटल्स, बराबर है। एंड दिस इज एक्चुअली एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, इसके कंपाउंड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है ना। ये एम्फोटेरिक है क्योंकि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। ये जो मेटल है ये अल्कलाइन, क्या ये बेस के साथ रिएक्ट होंगे? नहीं, ये सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट होंगे और इसकी रिएक्शंस, एसिड वाली रिएक्शंस अपन ने देखी है। क्लियर है, अंडरस्टूड है? सो दैट इज बेसिकली द रीजन व्हाई बेरिलियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एंड दीज मेटल्स डोंट। ओके ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वेशन इन अमोनिया। ये अपने को मालूम है कि व्हेन यू ऐड देम इन लिक्विड अमोनिया, बेसिकली लिक्विड तो अपने को क्या मिलता है, ब्राइट ब्लू कलर मिलता है बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट वी सी इन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में जो देखा था वही यहाँ पे अपने को दिख रहा है। दे सोल्यूशन दे डिकम्पोज वेरी स्लोली और अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी सेम एज दैट ऑफ अल्कली मेटल, अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये फिर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर अमाइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि डिफरेंस ये है कि अल्कली मेटल्स में जब अपन इवापोरेट करते हैं अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया को जब इवाप करते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन तो इट एक्चुअली गिव्स अस मेटल। समझ में आया क्या? जब अमोनिया को अपन इवापोरेट करवाएंगे तो अमोनिया निकल जाएगा, मेटल बचा रहेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में अपने को हेक्सा अमोनिएट्स ऑफ द मेटल्स मिलता है, ठीक है। ये इस तरह के, दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज हेक्सा अमोनिएट्स, मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिलता है। जब इवापोरेट कर लिया अमोनिया तो पूरे के पूरा अमोनिया इवापोरेट नहीं होगा, कुछ अमोनिया जो है वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। रिमेंबर ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप टू के, दीज आर स्मॉलर देन ग्रुप वन और इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहने के वजह से दे आर गोइंग टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपने को दिख रहा है हेक्सा अमोनिएट्स, ठीक है। अब ये जो है ये स्लोली डिकम्पोज हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, अमाइड एंड हाइड्रोजन गैस और साथ में अमोनिया मिल रहा है, ये भी इवॉल्व हो जाएगा बेसिकली। सो यू कैन सी दैट धीरे 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 ये अमोनिया भी निकल जाएगा, अल्टीमेटली वो गोना एंड अप विथ एन अमाइड, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट हैपन्स विथ दिस ग्रुप मेटल्स, ग्रुप टू मेटल्स बेसिकली। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट मेटल मिल रहा है, यहाँ पे अपने को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मिल रहा है उसके बाद अमाइड मिल रहा है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेता हो तो अमोनिया सोल्यूशन जो होता है वो होता है ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज काई की वजह से हो रहा है, बिकॉज जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कपल हो जाते हैं, वो क्लब हो जाते हैं, उनका एक मेटल क्लस्टर बन जाता है जिसके वजह से इट बिकम्स ब्रॉन्ज इन कलर। तो सेम प्रिंसिपल जैसे स्टार्टिंग में वहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन में अपने को ब्लू मिलता था, बाद में वो कॉपर कलर का, यहाँ पे भी अपने को मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ ब्रॉन्ज कलर्ड सॉल्यूशन अपने को मिल रहा है। दैट इज ओनली डिफरेंस यार, ओके, बट यू नो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉपर कलर और ब्रॉन्ज कलर में, आई गेस, आई डोंट नो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स
एक्सेप्ट बेरेलियम, ये इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं। ओके, बेरेलियम भी हाइड्राइड बनाता है लेकिन इस तरह का हाइड्राइड नहीं बनाता। दिस इज बेसिकली एन आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, बेरिलियम का हाइड्राइड कैसा रहेगा? कोवेलेंट। बेरिलियम का हाइड्राइड होता है कोवेलेंट, समझ में? तो ये इस तरह के हाइड्राइड बना रहे, और ये कैसा बनते हैं? बेसिकली मेटल प्लस हाइड्रोजन हीट करो, तुमको आयनिक हाइड्राइड मिल रहा है। ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड जो होता है दैट इज कैन बी फॉर्म्ड बाय रिड्यूसिंग बेरिलियम क्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब BeCl2 लेंगे प्लस AlAlH4 बनाएंगे, इससे मेरे को बेरिलियम हाइड्राइड मिलता है, लेकिन ये आयनिक नहीं होता, ये होता है पॉलीमरिक। समझ में आ गया? दिस इज गोइंग टू बी अ पॉलीमरिक हाइड्राइड। ठीक है, दीज हाइड्राइड्स दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिकॉज दे विल लिबरेट हाइड्रोजन, इसके वजह से दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद आ रहा है कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ये जो हाइड्राइड होते हैं ये आयनिक एंड दे कंटेन हाइड्राइड एंड एच माइनस आयन इनमें प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू विथ मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम में देर इज अ कोवेलेंट कैरेक्टर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट एंड पॉलीमरिक, बताया था कोवेलेंट होते हैं और पॉलीमरिक होते हैं। दिस इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 ये कैसा है? पॉलीमरिक है और कोवेलेंट। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, देखो बेरिलियम है। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ साइमल्टेनियसली, फॉलो करो तुम लोग। मैंने सबसे पहले एक बेरिलियम ड्रॉ करूँगा मैं BE। ओके, चेंज द पेंट कलर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बेरिलियम का ड्रॉ करता हूँ। ये एक मैंने बेरिलियम ले लिया। ठीक है, अब इट इज़ गोइंग टू हैव टू हाइड्रोजन्स, एक यहाँ पे एक इधर। ठीक है, देन देर इज लेट्स से अनदर बेरिलियम, ये बेरिलियम, इसके भी दो हाइड्रोजन्स हैं, है ना? एंड लेट्स टेक अ थर्ड बेरिलियम, दैट इज योर थर्ड बेरिलियम। ठीक है, एंड देन यू कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली फोर्थ बेरिलियम। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है ये इस बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, ये हाइड्रोजन इस बेरिलियम के साथ बॉन्ड, उसी तरह से इधर का हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वैसे ये हाइड्रोजन ग्रीन वाला इसके साथ बॉन्ड, रेड वाला इसके साथ बॉन्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बेरिलियम इसके साथ, ये इसके साथ, तो इस तरह से अल्टरनेट बेसिकली बॉन्ड्स बन रहे। ठीक है, बाय डूइंग दिस बेरिलियम कैन एक्चुअली कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अदरवाइज क्या हो रहा है, सिर्फ बेरिलियम, कोई भी अगर देखते हैं अपन, सी BeH2 अगर लेता हूँ मैं, तो अब बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ चार। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ जस्ट फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब ये अनस्टेबल क्यों रहेगा? सो बेसिकली व्हाट बेरिलियम इज डूइंग इज, जैसे ये हाइड्रोजन इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, ये इसको डोनेट कर रहा है। ओके, दिस वन इज़ डोनेटिंग हियर, दिस वन इज़ डोनेटिंग देयर। सो इस तरह से ये जो बेरिलियम्स है दे आर कम्प्लीटिंग द ऑक्टेट। ओके, तो यहाँ पे ऑक्टेट कम्प्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन बन रहा है दैट इज़ अ यूनिक सिचुएशन। ये जो सिचुएशन बना दैट इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन। यहाँ पे हाइड्रोजन एक साथ दो एलिमेंट को बॉन्डेड है, इज़न्ट इट? एक साथ दो एलिमेंट को बॉन्डेड है, यहाँ पे ऐसा है, नीचे भी उसी तरह का तुमको दिख रहा है। ओके, सेम थिंग यू कैन सी इट हियर एंड हियर। ठीक है, ये इसलिए दिख रहा है तुमको इस तरह से क्योंकि ये जो है ये बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक वन इज, सो ये जो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है, दिस वन, ओके, ये जो दिख रहा है दैट इज बेसिकली वर्टिकल, द सेकेंड वाला इज हॉरिजॉन्टल, फिर थर्ड वाला फिर से वर्टिकल आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ये जिगजैग इसमें ये जा रहा है। ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन है बिकॉज द बॉन्ड इट्सेल्फ इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बनाना जैसा दिखता है।
ठीक है, इसलिए बनाना बोंड, ये लेमन टर्म में बोल रहे हैं अपन इसको, बनाना बोंड, इट लुक्स लाइक अ बनाना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बनाना बोंड। ठीक है, साइंटिफिक टर्म पे अगर देखा जाए सो इट हैज़ ये पूरे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑब्वियसली इफ यू लुक एट इट, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ओके, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ड्रा कर रहा हूँ बॉन्ड्स के, इजंट इट, एंड देन दिस वन एंड दिस वन, राइट। सो इफ यू लुक एट इट हियर, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट, पूरे, और यहाँ पे एलिमेंट्स कितने इन्वॉल्व है, तीन एलिमेंट्स, इजंट इट, वन टू एंड थ्री, तीन एलिमेंट मिला के ये बॉन्ड में अपने को दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तीन सेंटर है मतलब तीन एलिमेंट है, एक दो तीन, इलेक्ट्रॉन है दो। ठीक है, दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन फॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, ओके, इसको बोल रहे हैं अपन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सी टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, यही तुमको यहाँ पे भी दिख रहा है इफ यू लुक केयरफुली। ठीक है, ये बॉन्ड में भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल दो दिख रहे हैं तुमको, है ना, लेकिन बॉन्ड कितने हैं, दो, दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड, और दो दो बॉन्ड बनाने के लिए अपने को तीन एलिमेंट्स लगते हैं, एक दो तीन, और ये तीन एलिमेंट मिला के अपने को दो बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी दो ही है, इसलिए इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अपन लेमन टर्म में क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। ठीक है, जस्ट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बनाना, दैट्स ऑल, नथिंग नथिंग साइंटिफिक अबाउट दैट। ठीक है, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपने को दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ तुम ध्यान रखो कि ये जो प्लेन्स है दिज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये एक बेरिलियम टू बेरिलियम हो गया, फिर ये बेरिलियम से ये इधर वाला बेरिलियम बेसिकली, ठीक है ना, इधर वाला, एंड देन ये प्लेन परपेंडिकुलर से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ये जिगजैग इस तरह से ये जा रहा है बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द थिंग। नेक्स्ट बेसिकली यही चीज़, इसी तरह का बॉन्ड हमको डायबोरेन में भी मिलता है, ओके, वी ऑल्सो गेट इन डायबोरेन, डायबोरेन बोले तो बी एच थ्री बाय टू, ओके, इसको बोल रहे अपन डायबोरेन। देखो बी ई एच टू ये पॉलीमरिक है, बी एच थ्री ये डायमरिक है, ये डायबोरेन, तो इसको अपन जनरली कैसा लिखते हैं, फिर बी टू एच सिक्स ऐसा लिखते हैं ना, दैट इज अ डायबोरेन। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्बाइड के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ ये जो है ये कार्बाइड बनाते हैं बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ कार्बन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये कार्बाइड बनाते हैं, तो ये जो कार्बाइड होते हैं इनको बोलते हैं अपन एसिटिलाइट, और ये जनरल फार्मूला होता है इनका MC2, इस तरह के कार्बाइड होते हैं। ठीक है, कार्बाइड जो होते हैं ये कैसे रहेंगे, आयनिक, ठीक है, आयनिक कार्बाइड होते हैं एंड हैव NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर मतलब तो रॉक सॉल्ट। ठीक है, अब ये अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, जब अपन सॉलिड स्टेट देखेंगे उसमें अपन देखेंगे NaCl इज एक्चुअली अ रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट जो अपन यूज़ करते हैं खाने में, नॉट द रेगुलर में जो यूज़ करते हैं, एक स्पेशल सा सॉल्ट आता है लाल कलर का, थोड़ा सा दिखता है रेडिश कलर का, उसको अपन बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ऑलराइट, ये नेचुरली अकरिंग मिनरल है, बेसिकली नेचुरली अकरिंग सॉलिड है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। ठीक है, जो सोडियम और क्लोराइड होते हैं उसका एक स्पेसिफिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ये अपन सॉलिड स्टेट में, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो आयनिक है इसीलिए अपन इस तरह की बात कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट, क्योंकि NaCl इज आयनिक और ये जो कार्बाइड है दीज आर ऑल्सो आयनिक। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे NaCl है, ओके, वैसे ही यहाँ पे तुम बोल सकते हो MgC2। ठीक है, मतलब Na के जगह Mg और Cl के जगह C2, ऐसा आ रहा है। C2 होता है एसिटिलाइड आयन। ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं कार्बाइड, समझ में ना, एसिटिलाइड आयन। सो यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स तो एसिटिलाइड बनाते हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं, एसिटिलाइड बना रहे हैं। बेरिलियम ये मिथेनाइड भी बनाता है, मिथेनाइड बनाता है विथ कार्बन, तो बेरिलियम प्लस कार्बन हीट करता हो तो मेरे को क्या मिलेगा, मिथेनाइड मिलेगा, और अगर मैं एसिटिलीन के साथ हीट करता हूँ तो मेरे को एसिटिलाइड मिलेगा। ठीक है, मतलब बेरिलियम दोनों तरह के बना रहा है,
एक मिथेनाइड बना रहा है, एक एसिटेलाइड बना रहा है। मेरे हिसाब से मिथेनाइड इज़ मोर स्टेबल, और ये जनरली अपन देखते हैं, ठीक है। मिथेनाइड इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बाइड बनाता है इस तरह का, ये भी एक एडिशनल कार्बाइड है। सो बेसिकली अलग अलग तरह के कार्बाइड अपने को दिख रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ये इस तरह के, जैसे MgC2 या CaC2 इस तरह के कार्बाइड बना रहे, ठीक है। बेरिलियम एडिशनली अपने को दे रहा है BeE2C, ओके। ये मिथेनाइड हो गया, मतलब ये एक कार्बाइड, ये दोनों मतलब एक ही टाइप के कार्बाइड हो गई है, और ये एक टाइप का कार्बाइड, ठीक है। ये दो टाइप के कार्बाइड हो गए, और थर्ड टाइप का कार्बाइड हो गया Mg2C3 टाइप, ठीक है। Mg2C3 टाइप ये जो कार्बाइड होता है, इसको अपन बोलते हैं अलिलाइड, क्योंकि इसमें अलिलिन ये आयन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अलिलिन आयन इन्वॉल्व होता है C3 वाला, मतलब ये, सॉरी, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, ये अलिलिन हो गया, ठीक है। और ये अगर देखते हैं अपन तो ये हो जाता है एसिटिलिन, ठीक है। ये एसिटिलिन, या इसको एसिटिलाइड बोलेंगे, इसको अलिलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैं इन कार्बाइड्स को पानी में अगर डालूँ, अगर मैं इन कार्बाइड्स को पानी में डालूँ तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ये लिबरेट करते हैं। जैसे कार्बाइड है कैल्शियम कार्बाइड, इसमें किस तरह का कार्बाइड है, इसमें एसिटिलाइड है, ठीक है ना। कैल्शियम में कैसा कार्बाइड है, एसिटिलाइड है। इसको मैंने पानी में डाल दिया तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। तो इसमें मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस एसिटिलीन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें अपने को ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर। अब मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली इज एडिंग हाइड्रोजन, दैट इज़ योर एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस लिबरेट हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं मिथेनाइड लेता हूँ विच इज़ फॉर्म बाय बेरिलियम, बेरिलियम मिथेनाइड बनाता है, ओके। ये थोड़ा बहुत कार्बाइड भी बनाता है, थोड़ा बहुत मिथेनाइड भी बनाता है। कार्बाइड बनाता है विथ एसिटिलीन, ठीक है, और एसिटिलाइड, और मिथेनाइड बनाता है विथ कार्बन। तो कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अपन तो मिथेनाइड बन रहा है, उसको अगर पानी में डाला तो मिथेन गैस लिबरेट होगा। देखो क्या लिबरेट हो रहा है, उससे अपने को पता चलता है किस तरह का कार्बाइड बन रहा है, ठीक है ना। मिथेन गैस लिबरेट हुआ तो मिथेनाइड, एसिटिलीन गैस लिबरेट हुआ, इथाइन गैस लिबरेट हुआ तो एसिटिलाइड, ठीक है, या नॉर्मल कार्बाइड। और थर्ड कार्बाइड बनाता है मैग्नीशियम एलिलाइड। एलिलाइड ये मैग्नीशियम के साथ ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसी के साथ मिलेगा। इसको अगर पानी में डालूंगा तो मेरे को अलिलीन, जिसको अपन प्रोपाइलीन बोलते हैं, ये लिबरेट हो रहा है, ठीक है। इसका कॉमन नेम अलिलीन है बेसिकली, सो एनीवे सब प्रोपाइलीन, ठीक है। तो अलिलाइड को अगर डाला रहा तो प्रोपाइलीन लिबरेट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड। नाइट्राइड बेसिकली इस तरह के बनते हैं M3N2 टाइप। ये तुमको ध्यान में आ गया, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का +2 का चार्ज होता है और नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज है, ठीक है। ये तुमने 10th में भी पढ़ा होगा बेसिकली। और इन चार्ज को हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं एंड वी फॉर्म Mg3N2 टाइप। सो इस तरह के ये नाइट्राइड्स बन रहे हैं। तो उसको बनाना है बेसिकली तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे। नाउ वी नो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज़ वेरी स्टेबल, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी लिबरेट होती है फ्रॉम द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर। लैटिस एनर्जी जो होती है, यहाँ से ये एनर्जी अपने को बॉन्ड एनर्जी मिल रही है, समझ में आया क्या। लैटिस एनर्जी से अपने को बॉन्ड एनर्जी मिल रही है, ओके। बेरिलियम कंपाउंड इज रादर वोलाटाइल व्हाइल अदर्स आर नॉट। बाकी के आयनिक होते बेसिकली, बेरिलियम का जो नाइट्राइड्स होते दीज आर वोलाटाइल। दे आर ऑल कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे ये, ओके। और फिर इनको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो ये अमोनिया गैस लिबरेट करता है Mg3N2, ठीक है। ये नाइट्राइड आयन हो गया प्लस वाटर, तो अपने को क्या मिलेगा, नाइट्रोजन जो है दैट इज़ इन द आयनिक फॉर्म। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये यहाँ पे तो आ रहा है ना 3- और हाइड्रोजन में H+ है ही है, तो ये 3- और H+, तो तीन हाइड्रोजन अपने को लगेंगे, ये बनेगा NH3।
प्लस मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, MgOH/2। तो यही रिएक्शन मैंने तुमको समझा के बता दिया बेसिकली, बट इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, इजंट इट। सो यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट होगा। नाउ क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है एक्चुअली पास्ट में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, बट ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 mole ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड विल गिव यू 2 moles ऑफ अमोनिया। क्लियर है क्या? 1 mole ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड गिव्स यू 2 moles ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नाउ ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अल्कली मेटल्स। ओके, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस है ये अल्कली मेटल से ज़्यादा स्टेबल है। राइट, द रीज़न फॉर दैट इज हाई चार्ज डेंसिटी, इजंट इट। क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने को जो प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी जो चाहिए टू मेक द कॉम्प्लेक्सेस इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए इनके कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे, स्टेबल बनेंगे। ओके, दे आर स्मॉल, दे आर हाईली चार्ज, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव वेरी हाई चार्ज डेंसिटी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे बेसिकली किस तरह के बनते हैं कॉम्प्लेक्सेस, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, कैसे बनते हैं, सारा सब कुछ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे। बट बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी दे विल अट्रैक्ट लुइस बेसिस। ये लुइस बेसिस इनके जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो मोस्टली विथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर वेरी गुड लुइस बेसिस, इजंट दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर एक पेयर होता है, सो दे कैन डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन फॉर्म वेरी गुड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा लुइस बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होगी। सो इफ यू कंपेयर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन विल हैव बेटर अबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, समझ में, एज कम्पेयर टू सल्फर। सेम थिंग गोज फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फॉस्फोरस का वीक रहेगा। ओके, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हुआ तो चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गया और इसके वजह से कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। जो हेवियर आयन्स होते हैं जैसे हो गया कैल्शियम आयन्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ इथेनॉल, बट बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। ओके, बेरिलियम बीइंग स्मॉलेस्ट आयन इन द ग्रुप टेंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट रेडली, सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी बेरिलियम का है इसीलिए बेरिलियम क्या करेगा, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैल्शियम और बेरियम इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी कम है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि साइज बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, बेरिलियम से बेरियम तक साइज इंक्रीज हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे कम जो आ रहा है वो अपने को आ रहा है कैल्शियम और बेरियम है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसलिए अगर इनके कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं मेरे को, कैल्शियम आयन्स एंड बेरियम आयन्स, इनके अगर कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं तो इट कैन ओनली बी फॉर्म्ड विथ गुड, वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उनके साथ ही ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। उसमें दो नाम तुम ध्यान में रख लो, एसिटिल एसीटोन, दैट इज वन। एक्चुअली ये नहीं ध्यान में रखा तो भी चलेगा, दैट्स फाइन। ये तुमको ध्यान में रखना है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं EDTA, तो ये तुमको ध्यान में रखना है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, या टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन ही होता है ये इनफैक्ट, बट लेट्स बोले EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, इट इज़ एक्चुअली यूज्ड टू रिमूव हैवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी ऑल्सो। इसको खिलाते हैं बेसिकली, एज अ दवाई करके भी आती है ये, इसको खिलाया जाता है तो ये क्या होता है, बॉडी में जो अगर हैवी मेटल्स है, हैवी कॉम्प्लेक्स आयन्स है जैसे इस तरह के, उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के उनको बॉडी में से निकालता है। ठीक है, EDTA का एप्लीकेशन भी देख लो, एप्लीकेशन ऑफ EDTA। ओके, टाइट्रेशंस आर परफॉर्म यूजिंग EDTA इन अ बफर सॉल्यूशन टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। समझ में आ रहा है कि EDTA का एप्लीकेशन है कि ये अपन टाइट्रेशन कर सकते हैं पानी के साथ,
अपन ने हार्डनेस ऑफ वाटर डिस्कस किया था, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं यहाँ से अपने को पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें ADTA का बहुत ज़्यादा रोल है। एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम ये डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, द बेरिलियम जो होता है इसका आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई, इसका जो साइज़ होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल, एंड इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, इज़ंट इट। इसके वजह से इसका चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए इट इज़ गोइंग टू हैव अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज़ मोस्टली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आया क्या? तो बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट बेरिलियम इज रिलेटेड टू हाई चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? हाई चार्ज डेंसिटी के वजह से ये आसानी से हाइड्रोलाइज भी होते हैं, बाकी कंपाउंड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते, लेकिन बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली कैसे होते हैं? कोवेलेंट भी होते हैं। ठीक है, बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ये हमेशा चार ही होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इजंट इट। इसका पास, इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p0। ठीक है, अब जब ऑर्बिटल्स देखते हैं अपन वैलेंशियल में, तो वैलेंशियल में इट हैज़ 2s, ये हो गया एक, है ना, सॉरी 2s, ये हो गया एक 2s, और फिर उसके बाद 2px 2py एंड 2pz। अब सॉरी, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल एंड ये एक ऑर्बिटल। ठीक है, सो बेसिकली कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4, चार ही ऑर्बिटल है इसके पास, मतलब कि ये टोटल बॉन्ड सिर्फ चार ही बना सकता है, इजंट इट। 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर रहा है, मतलब टोटल बॉन्ड कितना रहेगा इसका? 4। सो इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। 4 के ऊपर ये बेरिलियम बॉन्ड बना ही नहीं सकता। समझ में आया ना? सिंपली इम्पॉसिबल फॉर बेरिलियम टू मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स। लेकिन बाकी के एलिमेंट जो है दे कैन हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब इनके पास, इसके पास 3D है, इसके पास 4D है, भले ही एम्प्टी है लेकिन है तो, और इस 3D में या इस 4D में या 5D में ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन एक्चुअली मेक अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। ओके, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये एम्फोटेरिक होता है। ओके, लेकिन बाकी एलिमेंट्स के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दे आर बेसिक, इजंट इट। इनका ही, सिर्फ बेरिलियम का ही ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का जो बिहेवियर दैट इज डिफरेंट देन एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, यहाँ पे वी गोना टॉक अबाउट रिव्यू क्वेश्चन। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद विच ग्रुप टू एलिमेंट, किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है लिथियम का, बताओ। बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है लिथियम का दैट इज विथ मैग्नीशियम, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी और से एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ अलूमिनियम, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। यहाँ पे यू हैव लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे लिथियम का जो साइज़ है वो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से साइज़ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है वो सेम रहने की वजह से लिथियम का साइज़ और मैग्नीशियम का साइज़, लिथियम का आयनिक साइज़, मैग्नीशियम का आयनिक साइज़, दे आर गोइंग टू बी सेम। और हमने बताया कि प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, ये एक अल्टीमेट चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज़ द साइज़, इजंट इट। उनका साइज़ या उनके आयन्स का साइज़ क्या है उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती है। जब इनका साइज़ सेम है तो प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप अपने को दिख रहा है। ठीक है, बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप हो किसके साथ रहेगा? अलुमिनियम के साथ, इजंट इट। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप अलुमिनियम के साथ रहेगा, उसी तरह से जैसा लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है। सो बेरिलियम एक्चुअली शोज अ डायगोनल रिलेशनशिप विद अलुमिनियम या अलुमिनम। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्लोराइड्स जो होते हैं जैसे बेरिलियम और अलुमिनियम के, दे फॉर्म ब्रिज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेरिलियम और अलुमिनियम दोनों के क्लोराइड्स होते हैं ब्रिज्ड। बेरिलियम जैसे ये हो गया क्लोरीन एक, ठीक है, उसी तरह से देर इज़ अ अनदर क्लोरीन,
तो यहाँ पे होता क्या है, ओके यहाँ पे बेरिलियम जो होता है उसका तो पॉलीमरिक मिलता है अपने को, जैसे उसका हाइड्राइड पॉलीमरिक है वैसे ही हैलाइड भी पॉलीमरिक है। अब ये जो है इसके पास तो देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, ये इसको डोनेट कर रहा है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आ रहा है क्या? सो बिकॉज ऑफ दैट, अब सॉरी किसको दिखाया मैंने इधर, ये इसको डोनेट कर रहा है और ये इसको दिखा रहा है। समझ में आया क्या? ना बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बेरिलियम अटेन्स अ सूडो ऑक्टेट, और जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। इसी तरह का स्ट्रक्चर तुमको अल्यूमिनियम के साथ दिखेगा, ठीक है, लेकिन अल्यूमिनियम डाइमर बनाता है। सो यहाँ पे ये अल्यूमिनियम ड्रॉ कर रहा है अपन, 1 2 3, यहाँ पे Cl Cl Cl, ओके, एंड देन आई ड्रॉ अनदर अल्यूमिनियम बेसिकली यहाँ पे AlCl3, यहाँ पे फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूँ Cl Cl, ठीक है। अब होगा क्या कि जो क्लोरीन्स है उनके ऊपर देर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी के ऊपर है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अल्यूमिनियम इज अ लुईस एसिड एंड दिस हैलोजन्स एक्चुअली एक्ट एज अ लुईस बेस, तो ये इधर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6, ठीक है। तो अल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रिज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से, ओके। द टू मेटल्स हैव सिमिलर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, दोनों का ई नॉट वैल्यू जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सिमिलर, सो इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी, दैट इज़ बेसिकली सेम। रीज़न फॉर दैट इज़ ये नेगेटिव वैल्यू है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, बोले कि ई नॉट वैल्यू कैसे, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है, इजंट इट। तो ये जो रिवर्स रिएक्शन है दैट इज़ एक्चुअली मोर फेवरेबल, तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम विल गिव आउट द इलेक्ट्रॉन मच मोर रेडिली, एंड अपन ये बोलेंगे दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सिमिलर इज बेसिकली बोथ आर रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड से दोनों के दोनों पैसिव हो जाते हैं, ऑलराइट। तो HNO3 जो होता है वो नेसेंट, HNO3 जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ओके, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट किया है उसने। अब बेरिलियम जो है वो उसी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा विच बिकम्स पैसिव, इसका मतलब ये अनरिएक्टिव हो जाता है बेरिलियम। उसी तरह से अल्यूमिनियम बनाता है Al2O3 विच इज़ अगेन अ वेरी स्टेबल एलिमेंट, ओके, वेरी स्टेबल कंपाउंड, रिएक्ट नहीं होते अल्यूमिनियम ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड, दीज आर अनरिएक्टिव, दे आर पैसिव, तो इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होती। इसलिए अगर मेरे को HNO3 को स्टोर करना है, मैंने तुमको पहले ही बताया कि बेरिलियम के वेसल में तुम उसको स्टोर कर सकते हो, इसके पहले वाले इसमें बताया था। अब यहाँ पे अल्यूमिनियम के साथ उसकी डायगोनल रिलेशनशिप है, इसका मतलब तुम अल्यूमिनियम के वेसल में भी इसको, फ्लास्क में इसको तुम स्टोर कर सकते हो, समझ में आना। HNO3 को अगर तुमको स्टोर करना है तो यू हैव टू स्टोर देम इन अल्यूमिनियम और बेरिलियम फ्लास्क, ठीक है। हम लोग अल्यूमिनियम की शीट्स क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग अल्यूमिनियम की विंडो फ्रेम्स क्यों यूज़ करते हैं, ऑल दो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, इजेंट इट, ये बात बोल रहे हैं ना अपन। अल्यूमिनियम जो है जैसे मैं ये ले रहा हूँ Al+O2, तो मेरे को क्या मिलेगा Al2O3, इसका इनॉट वैल्यू जो जो है बहुत कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वैल्यू अपन बोलेंगे ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन का वैल्यू जो रहेगा ये रिडक्शन का वैल्यू है -1.66, तो ऑक्सीडेशन का वैल्यू आ गया +1.66 वोल्ट, दैट इज़ क्वाइट हाई, मतलब ये रिएक्शन तो बड़े आसानी से हो जाती है लेकिन जो ऑक्साइड बन रहा है दैट मेक्स अल्यूमिनियम पैस अनरिएक्टिव, इसीलिए अपन इसको विंडो फ्रेम्स या इसके एल्यूमिनियम के शीट्स या टीन या अपने काफ़ी घर में जो बर्तन होते हैं दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड बनाते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड बोले तो अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था बेरिलियम हाइड्राइड, रिमेंबर वैसा ही हाइड्राइड तुमको अल्यूमिनियम के साथ भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड, तो उसी तरह के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड अपने को अल्यूमिनियम में मिलते हैं। दे आर वोलाटाइल क्लोराइड्स बनाएंगे और एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड,
इनफैक्ट इनके जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स है दोनों के, दे आर एम्फोटेरिक, दोनों के, अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक है. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड मतलब ब्रिज्ड हाइड्राइड बनाएंगे और वोलाटाइल क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड. और जैसे अपन ने बताया था BeH2 पॉलीमरिक है, AlH3 ये डायमरिक होता है. ओके, बोथ फॉर्म्स कार्बाइड विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव मिथेन, मतलब मिथाइड ये बना रहे हाइड्राइड, ठीक है ना, कार्बाइड. सो अल्युमिनियम कार्बाइड इसको जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या दे रहा है, मिथेन. बेरिलियम कार्बाइड को वो भी मिथेन दे रहा है. साइमल्टेनियसली यहाँ पे अपने को करस्पॉन्डिंग ये मिल रहा है, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस होके हाइड्रोक्साइड बनाता है. मतलब ठीक है, मतलब तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, दोनों जगह हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और दोनों जगह मिथेन गैस मिल रहा है व्हेन यू डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ देयर कार्बाइड. तो दोनों जगह मिथेनाइड ये कार्बन है. ओके, बोथ मेटल्स डिजॉल्व इन अल्कली इवॉल्विंग हाइड्रोजन, ठीक है. बेरिलियम देता है अपने को सोडियम बेरिलेट, ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, सोडियम बेरिलेट, ठीक है, डबल एल एस, बेरिलेट प्लस हाइड्रोजन गैस. अल्यूमिनियम देता है सोडियम मेटा अल्यूमिनेट. ओके, सोडियम बेरिलेट एंड सोडियम मेटा अल्यूमिनेट, दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मतलब दीज आर द मेटल्स, दीज आर एक्चुअली एम्फोटेरिक, इसलिए ये NaOH के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है. क्या मैग्नीशियम रिएक्ट होगा, नहीं होगा, समझ में आया क्या, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं होगा, कैल्शियम रिएक्ट नहीं होगा NaOH के साथ. नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दोनों के एम्फोटेरिक होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है. इसके रिएक्शंस देख लो, कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल रिएक्शन, एक बार देख लिया तो भी याद हो जाएंगे. देखो बेरिलियम का ऑक्साइड विद HCl BeCl2 एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब ये बेस के जैसा रिएक्ट, मतलब एक्ट हो रहा है, ठीक है. उसी तरह से BE जो है बेरिलियम ऑक्साइड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम बेरिलेट बना रहा है. सो दैट इज ऑल्सो इट इज एक्टिंग एज एसिड, मतलब बेस और एसिड दोनों जैसा एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है. ओके, इन एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्साइड कैसा हो गया, एम्फोटेरिक, ठीक है. या फिर यहाँ पे दिख रहा है तुमको एम्फोटेरिक को, सेम बिहेवियर तुमको अल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ दिखेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड भी तुमको दिखेगा कि HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है. हाइड्रोक्साइड भी वैसे ही होते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विथ एसिड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विथ बेस, ठीक है. सिमिलर टाइप के कंपाउंड अपने को मिल रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद एसिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद बेस. यहाँ पे ये तुमको ध्यान में रखना है कि ये जब रिएक्ट होता है, ओके, हाइड्रोक्साइड, तो ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है, सोडियम एल्युमिनेट है ये बेसिकली, और ये है तुम्हारा सोडियम मेटा एल्युमिनेट. ओके, तो ऑक्साइड मेटा एल्युमिनेट दे रहा है और हाइड्रोक्साइड तुमको इस तरह का कॉम्प्लेक्स दे रहा है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज बेसिकली सेम एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. या नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी आती है, द टू एलिमेंट्स एक्चुअली हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम आइडेंटिकल आ रही है, 1.5 आ रही है. दोनों का चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो सेम, चार्ज टू रेडियस रेशो ये सिमिलर आ रहा है, 0.06, मतलब वेरी सिमिलर टू इच अदर, मतलब चार्ज डेंसिटी कैसी रहेगी इनकी, सिमिलर रहेगी, ठीक है. इसका मतलब दे ऑल्सो हैव सिमिलर फील्ड स्ट्रेंथ. ये फील्ड स्ट्रेंथ क्या है ये अपने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही पता चलता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट दे हैव सेम चार्ज डेंसिटी. ओके, और इसके वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आ रही है. ओके, दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है. देखो बेरिलियम इस तरह का, एल्युमिनियम इस तरह का, तुमको कॉम्प्लेक्सेस ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है. बेरिलियम के दो एग्जांपल दिए, एल्युमिनियम की भी दो एग्जांपल दिए, फ्लोरीन के साथ और यहाँ पे ऑक्सैलेट के साथ, दिस इज ऑक्सैलेट आयन, ठीक है. अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जाती है. दिस इज अ फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स विथ बोथ एंड दिस इज अ ऑक्सैलेट कॉम्प्लेक्स विथ बोथ, ठीक है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा मिल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे चार का कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, चार फ्लोरीन है, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी चार ही बॉन्ड बन रहे हैं बेसिकली. ऑक्सैलेट, एक ऑक्सैलेट दो बॉन्ड बनाता है, दो ऑक्सैलेट है तो चार बॉन्ड बनेंगे, ठीक है. चार बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल. यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ छः बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे देखो तीन ऑक्सैलेट है मतलब छः बॉन्ड हो गए,
तो यहाँ पे छह बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का एक जनरल मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ तुमको। ज़रूरी नहीं कि चार है इसलिए हमेशा टेट्राहेड्रल ही रहेगा, यहाँ पे इट कैन एक्चुअली बी स्क्वेयर प्लेनर, स्क्वेयर प्लेनर भी बन सकता है। बट एनी वे दिस इज द कॉम्प्लेक्स और इसके ऊपर देर इज टू माइनस चार्ज। ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो अल्यूमिनियम के साथ बनेगा, वो इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज रहेगा फिर थ्री माइनस का, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, अल्यूमिनियम के ऊपर प्लस थ्री, मतलब ओवरऑल चार्ज अगर देखते हैं तो कितना आता है माइनस थ्री। वैसे यहाँ पे तुम निकाल सकते हो हर फ्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज और बेरिलियम के ऊपर प्लस टू का चार्ज, ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है इसमें माइनस टू का। सो यू कैन कैलकुलेट द चार्जेस, ठीक है। तो ये सब कुछ अपने को आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, सो डोंट वरी अबाउट इट दैट मच। इतना ध्यान में रखो कि दोनों के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, बेरिलियम का टेट्राहेड्रल होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। ठीक है, सो गोना स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विथ ग्रुप टू एलिमेंट्स इन नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।